जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम चिल्लास तक तो पहुंच गए थे और उसके बाद हमें रात हो गई थी बहुत देर, लेकिन हमने फिर चिल्लास में रुकना मुनासिब नहीं समझा। हम लोग निकल पड़े थे गिलगित के लिए ना, तो रात को कोई हम 9:30-10 बजे तक गिलगित पहुंच गए और बहुत ही यानी कि वो अंधेरा था और इस तरह से रोड भी बड़ा वो उनका बन रहा था। गिलगित से आगे कुछ डैम वगैरह बन रहे हैं तो रोड भी ख़राब था। तो खैर हम आहिस्ता आहिस्ता से कहीं पे बड़ी तेज़ और कहीं पे बड़े आराम से हम लोग पहुंच गए बिलाखर ना रात को देर से। तो हमने वहीं पे फ़िलहाल इमरजेंसी में स्टे के लिए एक रूम ले लिया जो हमें बड़ा मुनासिब से रेंट पे मिल गया था। 1500 रुपये में हमें रूम मिल गया। रूम बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा था, तो रात हमने वहीं पे गुजारी, थकन उतारी और सुबह को हम लोग अपना निकल पड़े खुंजराब की तरफ। हाँ जी, हमारा नाश्ता आ चुका है, बस नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर निकलते हैं। और हमारी कोशिश है कि आज देखें खुंजराब के जितना करीब तरीन हमें होटल मिल सके वहाँ पर रात को स्टे करें, क्योंकि ज़्यादा दूर तक की हम ड्राइव सुबह से लेकर शाम तक में नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रोग्राम है सुबह अर्ली मॉर्निंग हम खुंजराब के लिए निकलें और शाम तक हम खुंजराब से वापस आ जाएँ, तो इसके लिए हमें करीब तरीन होटल जो है ना वो लेना पड़ेगा। अब देखते हैं हम हुंजा में स्टे करते हैं, अताबाद पे करते हैं या पासों में करते हैं, देखते हैं आगे अब जैसे सफ़र लेके चलता है। चलें हम नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। जी नाश्ता करने के बाद हम एक बार फिर सफ़र पर निकल पड़े और हमने जो रोड लिया था गिलगित से वो नलतर वैली वाला रोड था। हमने मैप बनाया तो हमें ये रोड नज़र आया था नलतर वैली वाला। अच्छा, अब यहाँ से निकलते हुए हमने सुबह को जो ना गाड़ी का ऑयल वगैरह भी चेंज करवा लिया था और थोड़ा सा जो था हल्का फुल्का इशू वो भी हल करवा लिया था। तो नलतर वैली से फिर एक जगह हमें ये एक बिल्कुल ही ख़राब रास्ता मिला जो कि जाके एक्सप्रेस वे पे मिल रहा था। हमने गलती से वहाँ से एक्सप्रेस वे डायरेक्ट नहीं लिया अपना गिलगित से, तो हमने नलतर वैली वाली रोड पे आके फिर यहाँ से ही एक्सप्रेस वे को ज्वाइन किया था। लेकिन एक्सप्रेस वे तक जाते हुए बीच में से गांव की बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशंस हमें जो वक्तन फ़क्तन नज़र आ रही थी, और इत्तेफाक से वो दिन इतवार का दिन था तो बहुत सी जगहों पे हमें गिलगिती शादियां वगैरह भी बलतियों की नज़र आईं। बहुत सी बरातें कहीं से निकल रही थीं और कहीं से जो है ना वो शादी का इंतज़ाम हुआ हुआ था, तो हमें एक दो जगह वो भी नज़र आया। तो ये हम लोग नलतल वैली से होते हुए उस रोड से, जबकि यहाँ से इस रोड से नलतल वादी अच्छी खासी दूर है लेकिन ये रोड वही कहलाता है नलतल वैली वाला। तो हम लोग बस यहाँ से जो बागात थे वो देखते हुए इस पुराने से रोड पे से गुज़रते हुए और हम लोगों ने एक्सप्रेस वे ज्वाइन कर लिया और एक बार फिर जो है ना वो हम आगे चल पड़े इस पे। लेकिन ये हमारी गलतफहमी थी कि गाड़ी में कोई इशू जो है ना वो रिजॉल्व हो गया है, तो हमें कुछ ही देर में अंदाज़ा हुआ कि हमारी गाड़ी जो है ना वो पिक नहीं उठा रही, ना ही पेट्रोल पे और ना ही गैस पे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इशू था, क्योंकि हमने वहाँ पे प्लग वगैरह खुलवा के वो भी साफ़ करवाए थे तो शायद कोई एक प्लग ढीला रह गया था या वो शॉर्ट हो गया था। तो वो दोनों सूरतों में जो है ना वो हमारी गाड़ी जो है ना वो उठा नहीं रही थी लोड। तो कभी मैं इसको पेट्रोल पे करता था, कभी गैस पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गैस कितना बचा हुआ है कितना नहीं बचा हुआ, कितना हमारे पास पेट्रोल चल रहा है कितना नहीं चल रहा। तो पेट्रोल बड़ी तेज़ी से जा रहा था, यानी कि गाड़ी उस प्लग की वजह से कोई पेट्रोल हद से ज़्यादा पी रही थी
या कोई दूसरा इशू था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब रास्ते में कोई इस तरह से मुझे मैकेनिक भी नज़र नहीं आ रहा था कि मैं उससे खड़े होकर इसको बनवाऊँ। और इसी शीशो पंज में हम लोग जो है ना वो हमजा नगर का हमने सोचा कि हम जाके हमजा नगर में ही इसको सेट करवाएं। तो खैर हम लोग जो है ना वो हमजा नगर पहुँचे और हमने वहाँ पे एक दो मैकेनिक्स को दिखाया, किसी के पास समझ में नहीं आई क्योंकि गाड़ी गैस पे थी। तो गैस वाले मैकेनिक यहाँ पर तो सीएनजी वाले नहीं थे, किसी को समझ में नहीं आई। फिर एक बंदे का हमें पता चला तो हम लोग जो है ना उसके पास चले गए और उसका पता करके जिसने जो बताया कि यार वो फिल्टर में जो है ना वो कचरा आ गया है या दूसरी कोई चीज़ है, तो उसने अपने तौर पे कोशिश की, उसको प्लगों को साफ़ करके फिर से लगाया और सही से लगाया। उसने बताया कि एक प्लग ढीला था जो अपना, जिसकी वजह से करंट सही नहीं आ रहा था, गाड़ी पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही थी। चलो खैर उसने फ़िल्टर भी मंगवाया गाड़ी में और वो सारी चीज़ें की और हम एक बार फिर आगे सफ़र की तरफ निकल पड़े। लेकिन कुछ देर सही चलने के बाद गाड़ी में फिर वही इशू होना शुरू हो गया। लेकिन चलो फिर भी वो चल रही थी, लेकिन पहले जैसा इशू नहीं था। इसी दौरान हम जो है ना अताबाद टनल क्रॉस करते हुए अताबाद झील पे पहुंच गए और जो झील की खूबसूरती थी और जो टनल से गुजरने का मज़ा था उसकी एक अलग ही बात थी। हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप करने का सोचा टनल से निकलते ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, खैरियत ठीक ठाक भाई। हम बड़ा लंबा सफ़र करके अभी पहुंचे हैं अताबाद झील के पास और टनल आपने देखी अताबाद वाली, और इस वक्त हम मौजूद हैं अताबाद झील के पास। आपको झील की लोकेशन दिखाएंगे और ज़रा इनके कमेंट्स लेंगे। हाँ जी कैसे हैं, लेकिन यहाँ पे मछलियाँ नहीं है ये लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ये एक होटल बना हुआ है, बड़ा अच्छा सा होटल है और क्या नाम है, बस्कोची, बस्कोची के नाम से होटल है। बड़े अच्छे रूम बने हुए हैं, बहुत ही दिलकश है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, आगे ये एक और टनल है, पीछे ये इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ चारों तरफ, और ये मोहतरमा नीचे कोई काम चल रहा है। ये लेक का व्यू है, सामने वो नेक्सस होटल है और उससे आगे जो है ना वो अपना बोटिंग एरिया है। तो अभी बोटिंग एरिया की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। फिर एक बार एक छोटी सी टनल से गुजर के हम लोग बोटिंग पॉइंट तक चले गए अताबाद झील की। और बस्कोची जो होटल था वो बहुत आला था और ये जगह जो है वो है अपना अताबाद लेक का जो फूड एरिया, फूड कोर्ट कह लें, और यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, पिज़्ज़ा देसी, लेकिन इस वक्त जो है ना तकरीबन बहुत से रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। हाँ जी ये अताबाद झील है, ये बोटिंग पॉइंट है इसका, यहाँ पर बोट्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं पूरी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना जेट स्की है कपल के लिए और डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर ना, जिसको आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। उनके डिफरेंट प्राइजेज हैं, 2000 से लेके 10,000 तक के प्राइजेज हैं यहाँ पर, तो वो आप डिफरेंट तरीके से इसको इंजॉय कर सकते हैं। क्या हो रहा है चाइनीज के साथ कपल क्या कह रहे हो?
इस फूड कोर्ट के साथ साथ ही एक छोटा सा बाज़ार भी बना हुआ है जहां पर सियाहों के लिए यहां की जो कल्चरल आइटम्स हैं, ड्रेसेस हो गई, ज्वेलरी हो गई, उसके हिसाब से डिफरेंट चीज़ें यहां पर रखी गई हैं और शॉपिंग के लिए एक मुनासिब से रेट है। लेकिन अताबाद लीग पे ओवरऑल हमने देखा कि जो महंगाई थी वो दूसरों के मुनासबत से बहुत ज़्यादा थी अताबाद लीग पे। और यहाँ पर होटल रिजर्वेशन या खाना पीना जो भी था वो बहुत महंगा था, और उसके अलावा जो है वो बोटिंग के लिए भी यहाँ पर चार्जेस अच्छे खासे थे कि जो नॉर्मली जहाँ जैसे होते हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चार्जेस थे। कुछ देर अताबाद झील पर गुजारने के बाद हमने आगे के सफ़र का सोचा, क्योंकि हम लोगों का प्रोग्राम था कि या तो हम अताबाद पर रुक जाएँ, लेकिन अताबाद में हमें जो होटल्स मिल रहे थे वो बहुत महंगे थे, तो हमने यहाँ पे रुकना जो ना वो मुनासिब नहीं समझा। तो अभी दिन दिन का टाइम था, हम सोच रहे थे कि जितना आगे हम पहुँच सकें उतना आगे तक निकल जाएं ताकि फिर दूसरे दिन हमें खुंजराब पहुँचने में आसानी रहे, क्योंकि खुंजराब का प्लान ये था कि हमने सुबह को जाना था खुंजराब और वापस आ जाना था, तो हम जितनी दूर होते तो वो हमारे लिए फिर वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो देखते हैं आगे पासों में हमें कोई अच्छा सा होटल मिल जाए या जो है ना वो हमें सूस में मिल जाए। तो बस शाम होने से पहले पहले हम चाह रहे थे कि हम वहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन गाड़ी पता नहीं क्यों हमारा साथ नहीं दे रही थी, पेट्रोल बड़ी तेज़ी से जा रहा था। यानी कि मैंने गिलगित से 5,000 का पेट्रोल डलवाया था, लेकिन जहाँ तक मुझे कांटा बता रहा था कि वो 5,000 का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था और अब वो किसी भी लम्हे जवाब दे सकता था। तो मुझे बड़ा खौफ आया हुआ था कि तकरीबन यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप भी बड़े कम थे, तो लोगों ने हमें बताया कि आपको अब पेट्रोल पंप मिलेगा सूस में। ये जो पेट्रोल पंप था थोड़ी देर पहले जो आया था वो भी बंद हो चुका था। तो अभी हम पासो पहुँच चुके थे और मैं सोच रहा था कि यहीं पासो में कहीं होटल मिल जाए मुझे कोई अच्छा सा मुनासिब, लेकिन यहाँ पर भी कोई मुझे मुनासिब सा नहीं मिला। एक दो होटल थे अच्छे लेकिन वो फुल हुए हुए थे, वहाँ पर वो सियाह आए हुए थे कुछ चाइनीज़ वगैरह, तो वो तकरीबन होटल फिल थे। और अब जो है दिन भी ढलता जा रहा था, शाम होती जा रही थी, गाड़ी का मुझे बहुत टेंशन था कि गाड़ी कहीं कोई जवाब ना दे जाए, और इन पहाड़ों में हमारे पास हमें ना पेट्रोल मिलेगा ना हमें गैस मिलेगी, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन गाड़ी जो है ना वो चढ़ाइयों पर आके बिल्कुल ही जान छोड़ जा रही थी, पेट्रोल सीधे रास्ते पर कभी वो बड़ी तेज़ चलना शुरू हो जाती और कभी बिल्कुल ही जान छोड़ जाती। यानी कि पेट्रोल का कोई इशू आ रहा था कि पेट्रोल सही से पहुंच नहीं पा रहा था या करंट का था, कुछ समझ से बाहर थी बात। हमने उसको सेट भी करवाया लेकिन फिर भी, लेकिन बिलाखिर वो दिन ढल गया और इस अंधेरे में हमारी गाड़ी जो है ना वो एक बिल्कुल ही बयाबान जगह पर रुक गई, जिससे आगे उसने बढ़ने का नाम ही नहीं लिया। और हम लोग बड़े परेशान हो गए कि दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और हम लोग कभी कभी कोई इत्तफाक से गाड़ी गुजर जाती थी तो हम लोग बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करें कि किस तरह जो है ना वो उसको आगे लेके जाएं। बहरहाल वो हम आहिस्ता आहिस्ता जितनी वो चल सकती थी हम उसको उस तरीके से चला रहे थे, और कोशिश थी मेरी कि कहीं ना कहीं जो है ना वो हम पहुँच ही जाएँ, लेकिन गाड़ी की हिम्मत जवाब दे गई थी।